नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड होने वाली है। फ्रेंड्स, देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे बचाव के लिए गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इन सारी चीज़ों की सलाह दी जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर शरीर आसानी से किसी भी वायरस की चपेट में आ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने खान पान में उन चीज़ों को शामिल करें जिनसे आपकी इम्यूनिटी पावर तेज़ी से बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सुपर फूड्स बताऊंगी, यदि आप इन्हें अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं तो इससे जो है आपके खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और आपके फेफड़े नेचुरली मजबूत बनेंगे। इसके अलावा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले इन सुपर फूड्स को खाने के बाद फ्लू के चपेट में आने से बच सकते हैं और वायरल संक्रमण से भी बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से है वो सुपर फूड्स। सबसे पहला जो है फ्रेंड्स, वो है लहसुन। लहसुन में कई तरह के एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं। आप इसे सूप या सलाद के साथ खा सकते हैं, इसे कच्चा भी खा सकते हैं, आप इसे खाने में खा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चम्मच शहद में लहसुन का रस डालकर पीने से ये जो नुस्खा है आपके इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सेकेंड जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है अदरक। अदरक में भी कई तरह के एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए अपने खाने में की चीज़ों में इसे ज़रूर शामिल करें। सौंफ या शहद के साथ इसका सेवन करने से इसके परिणाम बहुत ही बढ़िया आते हैं। दिन में 3 से 4 बार अदरक का सेवन करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा। चाय, काढ़ा, इन जैसी चीज़ों में अदरक डालकर इसका सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3 पर जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है तुलसी। इंडिया में स्पेशली हर घर में तुलसी का पौधा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तुलसी में कई सारे औषधीय तत्व पाए जाते हैं। ये बेहद ही गुणकारी ऐसी औषधि है। इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने वाले कई सारे तत्व इस तुलसी में पाए जाते हैं। रोज़ाना सुबह एक चम्मच तुलसी का रस लेने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 3 से 4 काली मिर्च और 1 चम्मच शहद के साथ तुलसी का सेवन करने से आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ये तुलसी ताकत देता है। नेक्स्ट जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है पालक। पालक में ना सिर्फ विटामिन सी बल्कि कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आप पालक का सेवन करें, इसी के साथ आप ब्रोकली का भी सेवन कर सकते हैं। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इन्हें खाते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इन्हें पकाते समय इन्हें पूरी तरह से ना पकाएं, अदरवाइज़ इसमें जो पोषक तत्व है इन्हें पूरी तरह से पकाने से वो नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5 पर जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है बादाम। जुकाम से बचाव के लिए शरीर में विटामिन ई का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखता है। बादाम में विटामिन ई के साथ साथ हेल्दी फैट भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन बादाम को अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। रात में 4 से 5 बादाम पानी में डालकर इन्हें भिगो कर रखें और सुबह इनके ऊपर के छिलके को उतार कर आप इसे खाएं। ऐसा आप यदि रोज़ाना करते हैं तो ये जो बादाम है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। नंबर 6 पर जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है हल्दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हल्दी सबसे सेहतमंद मसाला माना जाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। हल्दी में पाया जाने वाला कर्फ्यूमिन मांसपेशियों की रक्षा करता है और उसे मजबूत बनाए रखने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द या किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण को दूर रखने में हल्दी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। आप हल्दी वाला दूध अगर रोज़ाना रात में पीते हैं तो ये जो है आपको वायरल संक्रमण से दूर रखेगा और साथ ही साथ आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हल्दी का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 7 पर जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है पपीता। पपीता भी जो है विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। पपीते में पपेन पाया जाता है, जो कि एक पाचक एंजाइम होता है। पपीते में पोटेशियम, विटामिन बी और फोलेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आपके शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 8 पर जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है बेरीज़। बेरीज़ में है अंगूर, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, डार्क चॉकलेट, कोकोआ। ये सारी चीज़ें खाने से न सिर्फ अल्ट्रावायलेट किरणें और फंगल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, बल्कि ये जो बेरीज़ है फ्रेंड्स, ये कई सारे वायरस से भी शरीर की सुरक्षा करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 9 पर जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है योगर्ट, या जिसे मीठी दही भी कहते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है, रोज़ाना योगर्ट खाने से शरीर की इम्यूनिटी पावर तेज़ी से बढ़ती है। रोज़ाना योगर्ट का सेवन करने से मांसपेशियों में होने वाला जो खिंचाव है, इसमें भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। नंबर 10 पर जो सुपर फूड है फ्रेंड्स, वो है नारियल का तेल। घर में खाना बनाते समय सरसों के तेल या रिफाइंड तेल की जगह आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है।
नारियल तेल में लॉरिक एसिड और कैप्रिलिक एसिड पाया जाता है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को तेज़ी से बूस्ट करता है और किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से सुरक्षा करने में ये नारियल का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, खतरनाक कोरोना वायरस हो या किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण से बचने के लिए हमेशा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ये सारी चीज़ें जो है आपको हमेशा स्वस्थ रखने में बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको जो 10 सुपर फूड्स बताए हैं, इसमें से ज़्यादा सुपर फूड्स को आप अपने डेली डाइट में शामिल करें ताकि आप स्वस्थ रह सके और किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण से या कोरोना वायरस जैसी बेहद ही खतरनाक बीमारी के वायरस से संक्रमित होने से आप खुद को बचा सके। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। इसी तरह की और भी हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।